नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, DAV PG कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से बलबंस थ्योरी ऑफ किंगशिप, बलबन का राजत्व सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक शासकों में बलबन का स्थान विशिष्ट है। उसने न केवल दिल्ली सल्तनत को पूर्ण रूप से सुदृढ़ता प्रदान की, बल्कि राजत्व की संस्था को भी शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्रदान की। इस कार्य के लिए बलबन ने एक नया राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। संभवतः बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसने राजत्व संबंधी अपने विचारों को विस्तारपूर्वक विवेचित किया। बलबन का राज्यारोहण कठिन परिस्थितियों के बीच हुआ। दिल्ली सल्तनत कई प्रकार के आंतरिक तथा बाह्य संकटों से घिरी हुई थी। पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोलों के आक्रमण के फलस्वरूप पंजाब के कुछ हिस्सों पर उनका अधिकार हो गया था। दूसरी तरफ अमीर वर्ग अनुशासनहीन तथा उदंड हो गया था तथा सामान्य प्रशासन ढीला पड़ गया था। अतः इन तमाम समस्याओं का समाधान तभी संभव था जब एक शक्तिशाली शासक जो समस्त सैनिक तथा असैनिक शक्तियों से युक्त हो दिल्ली की गद्दी पर प्रतिष्ठित होता, क्योंकि सुल्तान की कमजोरी या शक्ति से ही प्रशासन की कार्यकुशलता जुड़ी हुई थी। अतः बलबन के लिए सुल्तान के पद को शक्तिशाली और गौरवशाली बनाना अनिवार्य था। इसके लिए राजत्व का एक नया सिद्धांत अत्यंत आवश्यक था। राजा के कर्तव्यों संबंधी बलबन के विचार उसकी वसीयतों वसाया से प्राप्त होते हैं। बलबन के वसाया को बर्नी ने संकलित किया। वसाया का प्रथम भाग सुल्तान के कर्तव्यों पर आधारित है। द्वितीय भाग में बलबन ने अपने पुत्रों को राजत्व संबंधी निर्देश दिए हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार पर्शिया के राजत्व से प्रेरित था। उसके राजत्व सिद्धांत में राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि निबायते खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार वह मान मर्यादा की दृष्टि से केवल पैगंबर के बाद है। राजा ईश्वर का प्रतिबिंब जिल्ले अल्लाह है और उसका हृदय दैवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार है। अपने राजसी दायित्व पूर्ण करने के लिए वह निरंतर ईश्वर से प्रेरित और निर्देशित होता रहता है। इस विचारधारा का अर्थ यह था कि राजा की शक्ति का स्रोत अमीर वर्ग और जनता नहीं बल्कि केवल ईश्वर है और फलस्वरूप उसके कार्य सार्वजनिक जांच के अधीन नहीं है। इस प्रकार बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार शासक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा चुना गया प्रतिनिधि था जिसकी आज्ञा का पालन ईश्वर के आज्ञा का पालन के समान था और जिसकी अवज्ञा मात्र अपराध ही नहीं बल्कि पाप भी थी। इस प्रकार धार्मिक भावना के आधार पर शासक की सत्ता को बलबन ने सुदृढ़ किया। बलबन ने राजा के पद को जीवित रखने के लिए राजकीय प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव, मान मर्यादाओं एवं आचार व्यवहार के मूलभूत तत्वों को आवश्यक माना। दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा राजत्व के लिए महत्वपूर्ण बनाई गई। अपने पूरे शासनकाल में उसने साधारण व्यक्तियों से कोई संपर्क नहीं रखा। उसने राजा के पद को एक ऐसी संस्था का रूप दिया जिसका जनसाधारण के साथ निकट संपर्क नहीं होना चाहिए। उसका विचार था कि अगर राजत्व को जनता के निकट ले जाया जाए तो साधारण लोग भी राजा का पद प्राप्त करने की लालसा करने लगेंगे और राजत्व का अंत हो जाएगा। अतः राजा को अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए और जनता में अपने प्रति भय की भावना जागृत करनी चाहिए। बलबन के राजत्व सिद्धांत की एक विशेषता निरंकुशता थी। बलबन के विचारानुसार
सुल्तान असीम शक्तियों का मालिक था, उसकी शक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण या अंकुश लगाने की क्षमता नहीं उलेमा को प्राप्त थी और नहीं अमीर वर्ग को। बलबन ने इस प्रकार प्रशासनिक मामलों में सुल्तान की सार्वभौम सत्ता को बनाए रखने और उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग के राजनीतिक हस्तक्षेप के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया। बलबन ने शासक की निरंकुशता और दैवी प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुति द्वारा सुल्तान पद की शक्ति एवं गौरव की पुनर्स्थापना में सफलता प्राप्त की। वंशावली के महत्व पर बलबन ने अधिक बल दिया। उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब के वंश से संबंधित घोषित किया। समस्त अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक स्तर को निश्चित करने के लिए सभी प्रदेशों से वंशावली विशेषज्ञ एकत्रित किए गए। उसने लगभग 30 अधिकारियों को पदच्युत कर दिया जो उच्च वंश के नहीं थे। वह सदैव कुलीन और अकुलीन परिवार के व्यक्तियों में अंतर करता था। उसने कहा, जैसा कि बर्नी ने उल्लिखित किया है, जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। इसके अलावा बलबन ने केवल तुर्कों की प्रधानता बनाए रखने का निश्चय किया, जो हबीबुल्ला के अनुसार बुद्धिहीनतापूर्ण थी। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को कार्य रूप देने के लिए भी उपाय किए। राजत्व को प्रभावशाली बनाने हेतु उसने फारस की रहन सहन की परंपराओं को अपनाया। उसने सासानीद और ख्वारिज्मी शासकों के दरबार का अनुकरण किया। सासानीद और ख्वारिज्मी शासकों की भांति उच्च वेतन प्राप्त भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों को नियुक्त किया। उसने दरबारियों के मध्य मद्यपान प्रतिबंधित कर दिया। उसने दरबार में हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया। वह न तो स्वयं हंसता था और न ही किसी को हंसने देता था। उसने फारसी परंपरा का अनुकरण करते हुए दरबार में गैर इस्लामी सिजदा अर्थात सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, दंडवत करना तथा पाबोस या पायबोस अर्थात सुल्तान का पैर चूमना परंपरा को अपनाया, जिसका पालन लोगों को पूरी तरह से करना पड़ता था जिन्हें उसके समक्ष आने का विशेषाधिकार प्राप्त था। दरबार में केवल वजीर ही उससे वार्तालाप कर सकता था। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज प्रथा आरंभ की। भय और आतंक उसकी राजत्व की प्रतिष्ठा का एक मूल तत्व था। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक एक व्यवस्थित सैन्य विभाग का गठन किया। उसने सेना की संख्या में वृद्धि की और सेना में निष्ठावान और अनुभवी अधिकारी नियुक्त किए। उनका वेतन बढ़ा दिया गया। सेना को सदैव सतर्क एवं फुर्तीला बनाए रखने हेतु वह बार बार सैनिक अभ्यास पर बल देता था। जो सैनिक सेवा के लायक नहीं रहे उन्हें पेंशन देकर मुक्त कर दिया गया। उसने गुप्तचर अथवा वरीद नियुक्त किए ताकि राज्य में हर प्रकार के विरोध पर नज़र रखी जा सके तथा उसका दमन किया जा सके। इस प्रकार बलबन ने सैन्य शक्ति में वृद्धि कर अपने राजत्व सिद्धांत को कार्य रूप देने का प्रयास किया। उसने चलीसा दल जो इल्तुतमिश के शासन काल में निर्मित 40 अमीरों का दल था के निरंकुश महत्वाकांक्षी एवं
अत्यंत प्रभावशाली, अमीरों को कपटपूर्ण एवं बर्बर तरीके से समाप्त कर दिया एवं अपनी निरंकुशता स्थापित की। बलबन खलीफा की राजनीतिक सत्ता को मान्यता देता था। उसका मत था कि पूरब में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय खलीफा को ही है। उसने खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। मस्जिदों के खुतबे में भी खलीफा का नाम पढ़ा जाता था। ईश्वर टोपा के अनुसार बलबन ने राजत्व के नैतिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। बलबन ने ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयास किया। उसने जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। वह राजत्व को एक विरासत मानता था। बलबन के अनुसार जो राजत्व विरासत में प्राप्त नहीं होगा, उसमें राजत्व के गुण और विशेषताएं नहीं होंगी। बलबन कुरान के नियमों को शासन का आधार मानता था। यथार्थवादी होने के कारण वह इस्लाम को राजनीति से अलग रखने का प्रयास करता रहा। अपने शासन काल में राज्य के अस्थायित्व के लिए जो भी आवश्यक था, बलबन ने उसे सफलतापूर्वक किया। शांति एवं व्यवस्था बलबन के राजत्व के मूल मंत्र थे। धन्यवाद।